নমস্কার, কেমন আছেন? কেমন আছেন ক্লাস? ওকে, তাড়াতাড়ি করবে, তাড়াতাড়ি, জলদি আইয়ে, জলদি। হ্যালো। ওকে, শুভ গোধূলি, শুভ গোধূলি, জলদি সে আ যাইয়ে। जल्दी से आइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। आई जस्ट हैव गिवन टू यू 5 मिनट्स टू जॉइन मोर एंड मोर। ओके, सो हियर पीयू, सचिन, सचिन जी नमस्कार, नमस्कार, क्या होना चाहिए? वेयर इज लाइक विप्लव, विप्लव ज्वाइन मी पास, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। हाँ दीपिका, সুস্মিতা জি খুব ভালো আছেন, ম্যাম খুব আছি। ওকে ওকে ওকে, আজকে আমি যে বুঝতে পারে আমি এলে আজকে যে ক্লাস হয়ে যাবে ট্রাই করবে না। ওকে, নমস্কার, নমস্কার সুরভি, জলদি সে যাই আর ফির হম স্টার্ট করতে আজ কা ক্লাস। ওকে চলিয়ে, সো ফির আজ হম ওয়েস্ট বেঙ্গল মে জো পড়নে ওয়ালে হ্যায়, ওয়েস্ট বেঙ্গল কা জো স্টেট হ্যায় ও করনে ওয়ালে হ্যায় আচ্ছে সে। আপ সব লোগ রেডি রহিয়ে। ओके, रेडी, ज्वाइन, जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को, काइंडली शेयर। मैं आज टाइम पे आई हूं सुरभि जी, क्या बात है, शेयर कर दीजिए, शेयर शेयर शेयर। फिर लास्ट में आप लोग ऐड होते हैं तो फिर पता नहीं रहता है, राइट? क्लास में फिर लेट हो जाते हैं आप लोग, है ना? तो जल्दी से ऐड कर लीजिए सबको, जो शेयर कर दीजिए क्लास को। प्रीतांजलि जी गुड इवनिंग, शुभ गोधूलि, शुभ गोधूलि। राखी जी जल्दी से आ जाइए, इतना लेट क्यों आते हैं आप लोग? मैं ऑलरेडी 5 मिनट लगाती हूँ कि आप लोग ज्वाइन कर लें जल्दी से, बट आप लोग, आप तो आप हैं। चलिए ठीक है। अमरीश जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या बात, बाली नहीं आई अभी तक? बाली ने देखा, मैम देखेंगे आज किसको ज्यादा पता है वेस्ट बंगाल के बारे में। चैलेंज दिया है मुझे। तो हियर वी आर लाइक अगेन वी आर हियर फॉर डूइंग यू नो अनदर स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल आज हम करेंगे, वन ऑफ माय फेवरेट स्टेट। जितने भी स्टेट्स में मैं गई हूँ, वेस्ट बंगाल जो टॉपर स्टेट्स है उनमें से वो रहेगा। और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस रहे मेरे यहाँ पे, काफी अच्छी यादें हैं मेरी वेस्ट बंगाल के साथ। सो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अच्छे से बातें करेंगे खूब सारी। तो वेस्ट बंगाल के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, एरिया क्या है, क्या इसका एरिया हो जाएगा। सो एरिया इज अराउंड 88,752 स्क्वायर किलोमीटर। शुभ संध्या, शुभ संध्या, ठीक है। अच्छा रास्ते में है, जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को। क्लास इवनिंग में होती है, मॉर्निंग में होती है, स्टार्ट जब करते हैं तब आप लोग एकदम एक दो एक दो एक दो इक्का दुक्का ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, क्या बात है। तो इसके बाद आपका जो पॉपुलेशन हो जाएगा वेस्ट बंगाल का, वो हो जाएगा अराउंड 9 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन लगा लो, चाहे आप इसका कल्चर लगा लो, चाहे यहाँ का पॉलिटिक्स लगा लो। अगर वेस्ट बंगाल में जब तक आपके पॉलिटिक्स में एक दो लड़ाइयां जैसे अभी सुनने को मिला था वो ना हो, एक दो मर्डर ना हो, यहाँ पे अच्छा ना हो, तो मतलब लगता ही नहीं कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ है, नहीं। चलिए, तो कैपिटल यहाँ पे कोलकाता रहेगी, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ये कैपिटल है, अमेजिंग शहर, शहर है ये, सिटी ऑफ जॉय इसको बोला जाता है, सिटी ऑफ जॉय, राइट? तो सिटी ऑफ जॉय, यहाँ पे ढेर सारा जॉय है। आप अगर मिनिमम 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 आप जो आपके पास मनी है उसमें आप सरवाइव कर सकते हैं वेस्ट बंगाल में, ये ब्यूटी है। एक बार जो इसका मैं पॉजिटिव अगर आपको बताऊं, अगर आप कोलकाता में जा रहे हैं और आपके पास पैसे, आप ये बजट ज्यादा नहीं है, तो कोलकाता बहुत सूटेबल है आपके लिए। ज्यादा पैसे बिल्कुल नहीं लगते, खाने का मैं बताऊं आपको तो बहुत ही सस्ते में हो जाता है यहाँ पे, राइट? अगर आप 100 रुपीज में भी एक दिन यहाँ पे गुजारना चाहें और खाना प्रॉपर आपको मिल जाएगा, प्रॉपर बहुत बढ़िया। और झालमुड़ी तो है ही, है ना, झालमुड़ी तो है ही, जहाँ जहाँ क्या है, लंच में झालमुड़ी, ब्रेकफास्ट में झालमुड़ी। और खाना अमेजिंग, बंगाली लोगों को जहां तक मैं जानती हूँ तो ये लोग पेट भरने के लिए कभी नहीं खाते, ये लोग टेस्ट के लिए खाते। इतना टेस्ट, इतना वेराइटी जितना बंगाली क्विजीन में है, इतना शायद ही कहीं आपको मिला होगा, ठीक है। इज नोन एज कल्चरल कैपिटल, बिल्कुल सही कहा, कल्चरल कैपिटल भी है, हाँ जी, मतलब कम पैसे में आप यहाँ पे, बिल्कुल। मैं रसगुल्ला कोलकाता, और कोलकाता का जो गुड़ वाला रसगुल्ला होता है लाइक जागरी, एक होता है आपका लिक्विड जागरी, उसमें ये रसगुल्ला बनाया जाता है,
अमेजिंग अमेजिंग रसगुल्ला। और इसका जो और भी मिठाई मैं बातें करूंगी तो खत्म नहीं होगी मेरी वेस्ट बंगाल के बारे में। बहुत ही मिठाइयों में प्योरिटी अगर मैं बोलूं, और टेस्ट जो है वो अलग ही आता है वेस्ट बंगाल में, राइट। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए जी, देवी जी इन्होंने खूब पॉपुलर किया। लास्ट ईयर बंगाल इतना पॉपुलर हुआ था, बोरो लो के रे बीटी लो गाने के साथ बहुत पॉपुलर हुआ था वेस्ट बंगाल, राइट। झाल पूरी नहीं होता, मूड़ी होता है, मूड़ी वो जो पफ्ड राइस, दैट इज पफ्ड राइस, ठीक है, पफ्ड राइस होते हैं, तो उनको यहाँ पे बोला जाता है, राइट। तो उनको झाल मुड़ी बोला जाता है, और ये एक स्नैक होता है, मतलब यहाँ का बोलूँ तो मैं नेशनल स्नैक हो जाएगा आपका। ओके, नेशनल स्नैक। अंबिका जी नमस्कार, पढ़ाओ दुबा, पढ़ाओ हाउ मैम, दुबा मीन्स पॉलिटिकल लेवल, प्लीज वेट वेट। अंबिका जी, अंबिका आई कम टू यू। मैम आपका वॉइस इतनी स्लो क्यों आ रही है? नहीं तो स्लो तो, अच्छा, ओके, ठीक है मेरी वॉइस, आवाज ठीक है? अभी मेरी आवाज बताइए एकदम सही आ रही है? अब तक मुझे सुनने दीजिए, पहले मेरी आवाज मैं सुन लूं। लाइक कर दीजिए, तब तक लाइक कर दीजिए वीडियो को। आई डोंट नो, अभी तक तो सब ठीक था, क्या हुआ इसमें? चलिएगा, तो अभी तक तो सब यहाँ पे ठीक था, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बताइएगा। आवाज मेरी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वॉइस में। तो इसके बाद चलिए फिर वेस्ट बंगाल के बारे में आगे बातें करते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल का मैप हो जाएगा, वेस्ट बंगाल की जो बाउंड्रीज है आपका ये देखिएगा। तो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, व्हाई? बिकॉज ये देखिए कहाँ पे ये सिचुएटेड है। अगर वेस्ट बंगाल पे कुछ हो जाए, स्पेशली ये जो चिकन स्नैक है, ये जो आपका जिसको मुर्गी की गर्दन बोला जाता है, ये जो पार्ट को अगर कुछ हो गया, तो इधर का जो पार्ट है नॉर्थ ईस्ट कंप्लीटली इंडिया से आपका अपार्ट हो जाएगा। ये इसको यहाँ पे अगर कोई चाहे तो, मतलब कि अगर जो इस रास्ते को अगर कोई ब्लॉक कर दे, सब वो चाइना जैसा कल चाहे, कल को बांग्लादेश की अगर हिम्मत हो जाए थोड़ी, तो अगर यहाँ पे पूरा ब्लॉक हो जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हमसे ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल। अब एक बार इसकी जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है वो देख लेते हैं जी। तो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है ये देख लीजिए, तो एक हो जाएगा सबसे पहले, ऊपर से चलते हैं दार्जिलिंग। अब दार्जिलिंग के बारे में क्या बोले, जब भी मुझे समय मिलेगा, अभी जब भी मैं, बिकॉज मैं लास्ट एक साल से घर में बंद है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है कि कहीं हम बाहर नहीं जा पा रहे। और मैं तो ऐसे ही, मतलब ट्रैवलिंग की बहुत ज्यादा फ्रेंडली हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बाहर घूमना। तो दार्जिलिंग सबसे पहला अब मेरा लोकेशन होगा जहाँ मुझे जाना है, राइट। तो जैसे ही थोड़ा सा ओपन होगा, सब सिस्टम थोड़ा ठीक हो जाएगा कोरोना में, तो दार्जिलिंग सबसे पहले जाना है। देन फिर जलपाईगुड़ी, और फिर कूच बिहार ही हो जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे नेशनल पार्क्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे, नारबक्सा नेशनल पार्क हो गया, और ये बहुत सारी जो आपकी फेमस जो चीजें हो जाएंगी वो यहाँ पे मिलेंगी आपको, ठीक है। राखी जी साउंड ठीक है, फाइन, क्या पूछ रही है राखी जी, क्या पूछ रही है, मैंने देखा नहीं आपका मैसेज। राखी जी क्या पूछ रही है जी, बताया जाए। मैम बीच है कोलकाता में, अरे बीच बिल्कुल है जी, कोलकाता में बीच नहीं है, क्या बात कर रहे हैं, ये पूरा बीच ही बीच है। ये देखो पूरा, ये आपका मिदनापुर, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है साउथ 24 परगना, ये पूरा बीच ही बीच है, सब कुछ बीच है। दीघा अपना, अरे दीघा को कौन नहीं जानता, जो बंगाली है वो दीघा मतलब उनके लिए लाइक हेवन। दीघा, मंदारमणी, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने को, राइट, बहुत कुछ। श्वेता जी नमस्कार, नमस्कार, कोई बात नहीं, जल्दी से ज्वाइन कीजिए मुझे। प्रथम जल्दी से शेयर कर दीजिए, फर्स्ट जीआई टैग हियर, ओके, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। और रसगुल्ला, रसगुल्ला तो यहाँ से नहीं है, वहां से ही है, कहाँ से, ओडिशा से। रसगुल्ला माना जाता है कि बंगाली स्वीट है, बट ये आपका है, जीआई टैग मिल गया है उड़ीसा को, ठीक है। प्रखर जी, और दार्जिलिंग टी है यहाँ से, राइट, दार्जिलिंग टी यहाँ पे जो अगर मैं बोलूँ तो जीआई टैग जिसको मिला है, तो दार्जिलिंग टी हो जाएगी, बहुत फेमस है आपकी, काफी इसको बोला जाता है स्वाद में उत्तम। तो इसके बाद यहाँ पे आपका उत्तर, ये उत्तर आपका दिजनापुर, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, मैं आपको देवी जी को थोड़ा सा बगल में कर देते हैं, साइड में कर देते हैं इनको, ठीक है। तो ये देखिए, हाँ जी, तो यहाँ पे जो मैप है एक बार अच्छे से हम देखेंगे,
जो नॉर्थ में डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी ये आपकी दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से जलपाईगुड़ी, देन कूचबिहार, देन इधर उत्तर दिजनापुर, दक्षिण दिजनापुर, देन मालदा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी यहाँ पे, और फिर पतला हो जाएगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल का मैप अगर देखेंगे तो। संदीप जी के लिए है क्या? संदीप जी सबके लिए है, आपको इंडिया का मैप तो पढ़ना है ना, इंडिया का मैप सब जगह चाहिए, इंडिया का मैप आपको हर जगह चाहिए, तो वहां पे आपको वेस्ट बंगाल या कोई भी अदर स्टेट हम कराते आ रहे हैं उन सबका मैप आपको पढ़ना होगा। मैम नॉर्थ में एक दिन मिसिंग है मैप का, कालिम्पोंग एक डिस्ट्रिक्ट मिसिंग है। अच्छा 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 कोई बात नहीं, हो सकता है ये थोड़ा सा इसमें नहीं ऐड किया होगा, किया गया होगा डिस्ट्रिक्ट को। चलिए मैं आपको दोबारा से दूसरा जो मैप है वो दिखा देती हूँ, इसमें फिर आगे देखते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे जितना भी हो सके थोड़ा सा आपका फिजिकली एक बार इसके बारे में जान ले। एक बार देख लेते हैं ये वाला मैप, देखो। फिर यहाँ पे आपको मालदा के बाद मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद काफी फेमस है, मुर्शिदाबाद ये वही वाला है जो आपका यहाँ पे जो मीर कासिम थे उनकी जो आपकी कैपिटल हो जाएगी। इसके बाद बीरभूम, बीरभूम के बाद नादिया, देन यहाँ पे बर्धमान, बर्धमान बोला जाता है इसको, नॉट बर्धमान, बर्धमान। बंगाली हर चीज में बो लगा देते हैं लाइक। देन बांकुड़ा, देन आपकी पुरुलिया, देन इसके बाद पश्चिम मिदनापुर, देन आपका पूर्वी मिदनापुर, और यहीं पे आपका जो बीचेस, अगर मैं बोलूं आपका बे ऑफ बंगाल की बीचेस जो हैं, काफी काम, काफी बहुत ही ज्यादा पीसफुल एरिया है। अगर किसी को जो गोवा है, गोवा अगर थोड़ा सा मन बनाए, अमरीश जी गोवा में कुछ नहीं है लाइक, गोवा बहुत ज्यादा हाइप है ठीक है। अगर बीचेस देखने हैं ना असली और जो एकदम पीसफुल, तो आप यहाँ जाइए एकदम सौ बात की एक बात। तो 24th परगनास, देन आपका नॉर्थ परगनास यहाँ पे हो जाएगा, ये साउथ परगना, देन हुगली, देन यहाँ पे हावड़ा। हावड़ा के जो फेमस एकदम बिल्कुल इसको कोर हार्ट में बोलेंगे हम कि आपका वेस्ट बंगाल के हार्ट में हावड़ा भी एकदम बीच में आ जाएगा। हावड़ा ब्रिज है, हावाले रेलवे स्टेशन आप जाएंगे तो इधर ही आपका ये जो है रेलवे स्टेशन, फिर यहाँ पे आपका जो एयरपोर्ट है वो भी हो जाएगा ठीक है। तो काफी सारी जो चीजें हैं, ये डेवलपमेंट है, ये थोड़ा सा यहीं पे आपका मिल जाएगा। देन आपका आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर, क्या नहीं है, इतना ज्यादा इंडस्ट्रीज है। देखो कोयला जो सबसे ज्यादा पैदा होता है कहाँ पे, धनबाद में होता, सबसे ज्यादा धनबाद में है रिजर्व जो है कोयले का, सबसे ज्यादा धनबाद में है, बट बनाया जाता है रानीगंज में ठीक है। रानीगंज इसको प्रोड्यूस करता है, मतलब सबसे ज्यादा जो माइंड है इसको निकाला जाता है रानीगंज में। तो नंदीग्राम दूर, बिल्कुल क्या बात है। ओके वर्धमान गई है मैम, घूम नहीं पाए। वर्धमान में क्या है घूमने के लिए, कुछ नहीं है वर्धमान में राइट। वर्धमान में तो जस्ट सिटी है, और अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ का जो सिटी भी है बहुत मतलब छोटा सा है, अगर इसको कंपेयर करेंगे बड़ी सिटीज से तो ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, बहुत बहुत छोटा सा ही सिटी है, ज्यादा नहीं है। वर्धमान का रेलवे स्टेशन हो जाएगा वहां पे, और कुछ एक दक्षिणेश्वरी मंदिर है, अगर आप जाएंगे तो रास्ते में एकदम गंगा के ऊपर ही पड़ता है वो, बेलूर मठ है वहां पे पड़ेगा ये ठीक है। देन इसके बाद ये देखिएगा, यहाँ पे हम जो मैप है इसको थोड़ा सा और क्लियर हम बताएंगे आपको, नेक्स्ट मैप हो जाएगा। एक और मैप दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो हमारी सुष्मिता जी बोल रही थी एक बार देख लेते हैं, ये देखिएगा। तो इधर आपका जो पहले बाउंड्रीज हम देखेंगे, बिल्कुल नॉर्थ में इसके चले जाइए, सिक्किम यहाँ पे आपका टच करेगा ठीक है। तो ये सिक्किम टच करेगा वेस्ट बंगाल को, ये देखिए एकदम नॉर्थ में, और इसका जो इधर आपका जो है भूटान, भूटान ये टच करेगा इधर। देन यहाँ पे असम, दो कंट्रीज इसको टच करेगी इधर, तीन सॉरी, ये नेपाल हो जाएगा, इधर नेपाल आपका टच कर रहा है, इधर आपका बांग्लादेश टच कर रहा है, तीन कंट्रीज आपका इसमें बॉर्डर लग रहा है ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला स्ट्रेटेजिकली वेस्ट बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाला पार्ट इतना पतला है, इतना संकरा है, इधर जाके तो एकदम आदमी क्या बताए, थोड़ा सा ही जगह बचता है अगर आप जाएंगे तो वेस्ट बंगाल देखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा जलपाईगुड़ी, देन आपका ये कूचबिहार हो जाएगा, इधर आपका दार्जिलिंग हो जाएगा, दार्जिलिंग वन ऑफ माय फेवरेट राइट, बहुत बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। इसके बाद वही अपना चॉय ट्रेन, देन यहाँ पे आपका इस्लामपुर, देन आपका जो रायगंज, रायगंज सॉरी, फिर आपका बेलूर घाट हो जाएगा यहाँ पे, फिर इंग्लिश बाजार, और ये आपका जो फरक्का है ये आपका डैम हो जाएगा यहाँ पे ठीक है। देन इधर आपका बहरामपुर, ये आपका सिवरी, और इधर ये कृष्णानगर, ये आपका बर्धमान, देन आपका इधर आसनसोल, दुर्गापुर ठीक है, ये आसनसोल हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट, देन आपका दुर्गापुर, शायद पुराना ही मैप था वो वाला। देन यहाँ पे आपका जो मेन हो जाएगा
मैप देखिएगा, पुरुलिया इधर, पुरुलिया, पुरुलिया ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपका एकदम जो मैंने कल कराया था झारखंड, झारखंड को टच करता है एकदम आपका वेस्टर्न। देखो नाम आपका वेस्ट बंगाल है, नाम वेस्ट बंगाल बट है नहीं वेस्ट में, ठीक है। गुड इवनिंग निकी जी, वेस्ट में है नहीं, नाम वेस्ट बंगाल है, मिलेगा ईस्ट में, तो ईस्ट में है जी अपना वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से तो आपका इसका सबसे वेस्टर्न जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा पुरुलिया, तो पुरुलिया से यहाँ पे आपको झारखंड में टच करेगा। देन इधर आपका मिदनापुर, मेदनीपुर ये हो जाएगा, देन आपका यहाँ पे जो हो जाएगा तमलुक, देन जो कोलकाता मेन है ये आपका यहाँ पे 24 परगना, हावड़ा और इसके बीच में यहाँ पे मेन सिटी कोलकाता हो जाएगा। इधर आपके न्यू मूर आइलैंड एंड ऑल ये सब सागर आइलैंड से, ये सब ढेर सारे आइलैंड है, ये सब आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है यहाँ पे, और डेल्टा की वजह से यहाँ पे सुंदरबन, सुंदरबन जो आपका है जो मैंग्रोव जिसको हम बोलते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट मैंग्रोव, ये यहाँ पे आपको मिलते हैं जंगल्स, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, फिर वेस्ट बंगाल का मैप हमने पॉलिटिकली देख लिया है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बताऊं आपको वेस्ट बंगाल की, तो ज्यादा इसके बारे में 3rd century BCE के आसपास की पहले बात बताते हैं। तो वहां पे सबसे पहले जो राजा जो जाना जाता है हमारी नॉलेज में, जो सबसे पहले हुए हैं वो राजा शशांक हो जाएंगे। राजा शशांक है, इनके बाद 7th century तक उन्होंने, मतलब यहाँ पे शशांक का रूल यहाँ पे रहा है, बट उसके बाद जो लॉर्ड जो अशोका आ गए, जो आपके अशोका जो किंग थे मौर्यन एम्पायर वहां पे, देन यहाँ पे आपके बुद्धिस्ट के पाला डायनेस्टी के जो है, पाल डायनेस्टी यहाँ पे शुरुआत हो गई, तो पाल के जो गोपाल जिन्होंने स्टार्ट किया था, तो पाल डायनेस्टी ने यहाँ पे अपनी बहुत बड़ी छाप छोड़ी, ठीक है। पाल डायनेस्टी का बेसिकली ज्यादातर यहाँ पे चीजें आपको मिलेंगी। मंगेश जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुष्मिता जी। रॉयल बंगाल टाइगर बिल्कुल यहीं पे मिलता है, डिस्टेंस इन नॉर्थ बॉर्डर एंड साउथ बॉर्डर, बिल्कुल नहीं, आई थिंक 35 है, 35 है, है ना? निकी जी लेट हो गए आप, गोवा। अरे अरे अमरीश जी, दीघा मत जाना, दीघा मत जाना, दीघा जो बंगाली हो रिलेट कर पा रहे होंगे, जो बंगाली है क्या कोई यहाँ पे, कहाँ गए हमारे रक्तिम सूर्य जी जो मॉर्निंग में आए थे, सब पता होगा उनको, ठीक है। तो दीघा मत चले जाना, दीघा में इतना भीड़ है होता है, इतना भीड़ होता है, अच्छा जगह है, नो डाउट बीच अच्छे हैं, बट वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा क्राउडेड प्लेस होगा, आप मतलब 2 घंटे हार्डली वहां पे बिता सकते हैं आप। उसके बाद एक जगह है मंदारमनी, इसको मंदारमनी बोलते हैं, मोहनदारमनी बोलते हैं बंगाली में, ये बहुत पीसफुल, इतना पीसफुल है एकदम, वहां पे जो है आपके बहुत ही ज्यादा सोफेस्टिकेटेड फैमिलीज लोग वहां पे रहेंगे, वहां पे जाएंगे, और बहुत ही ज्यादा पीसफुल वो जगह है, ठीक है। वहां पे जरूर जाइएगा अगर कभी टाइम मिले तो आपको, मंदारमनी इतना ज्यादा हाइप्ड नहीं है इसलिए आप अभी तक थोड़ा सेफ है, दुनिया की नजरों से दूर है ये, राइट। Being in the west of Bangladesh because West Bengal, correct or not? बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, आपने सही कहा। प्रज्ञा जी, आप कितने दिनों से क्लास ले रही है? प्रज्ञा जी हमारी क्लास लेने आ रही है। प्रज्ञा जी, हम बस एक वीक हुआ है जस्ट, हमको कुछ ही दिन हुए क्लास लेते हुए, लाइक कर दीजिए क्लास को, लाइक कर दीजिए। तो फिर हम हिस्ट्री के बारे में अगर आपको बताएं, तो पाल डायनेस्टी की जब से यहाँ पे शुरुआत हुई है वेस्ट बंगाल में, तब से यहाँ पे जो रीजन है ये बेसिकली हिंदू डायनेस्टी के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया बट दूर से देखा, मैं आ गई दूर से देखा, यहाँ पे नहीं रुक सकते, चलिए यहाँ से, ठीक है। विनीता जी नमस्कार। रिजॉर्ट है बट ताश में तमाशा मचा दिया, मतलब ताश में तमाशा, क्या क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं पाई मैं सुष्मिता जी। ये देखिएगा, देन आपका जो 12th century इस्लाम जो है वहां पे, आपका पता है इस्लाम जब आपका दिल्ली सल्तनत जो आता है वहां से, फिर आपका जो इस्लाम है, देन बंगाल में धीरे धीरे जब यहाँ पे सूफी मिशनरीज अराइव होने लगी, तो नहीं शायद वहां क्या बोले प्रकट, क्या बोले, वाई शुड आई टॉक अबाउट अविवाहित जोड़े, ठीक है। ये देखिएगा, देन आपका यहाँ पे लेटर ओकेजनल जो मुस्लिम है आपके, मैंने जो मुस्लिम डायनेस्टी है जो तुर्क आए, तुर्कों के बाद यहाँ पे मुस्लिम्स धीरे धीरे आपका बंगाल में आने लगे। देन सूफी खान का जो आपका, जो मैंने बताया था जो सिलसिला होता है, ऑर्डर होता है खान का जो आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये आपके शामिल होने लगे। और 14वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत है बंगाल का, बंगाल में भी सल्तनत जो है थोड़ा थोड़ा ओरिजिनेट होने लगा। ये आपका सल्तनत ऑफ दिल्ली बंगाल
Bengal was ruled by various Muslim rulers and governors till the Mughal period in the 16th century. मतलब 16वीं शताब्दी तक आपका यहाँ पे जो है मुस्लिम शासकों का यहाँ पे रूल बन गया था. फिर तो बाद में जो हिस्ट्री है देन आपके जो ब्रिटिशर्स हैं ब्रिटिशर्स की ठीक है. तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स जब आते हैं आफ्टर द मुगल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बंगाल यहाँ पे एडवेंट ऑफ यूरोपियन इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज बैटल ऑफ प्लासी 1757. देखो प्लासी अगर देखना है तो मैं दिखाती हूँ आपको. प्लासी भी लेके आई हूँ कुछ नहीं छोड़ा मैंने बंगाल में. तो प्लासी भी देखिए ये मेमोरियल है जी प्लासी का. जब आप प्लासी में जाएंगे तो यहाँ पे प्लासी का नाम प्लासी क्यों है क्योंकि यहाँ प्लाश के प्लाश प्लाश पलाश उसको बोलेंगे तो पलाश के फूल होते हैं उसपे नाम पड़ा हुआ है इस सिटी का प्लासी ठीक है. तो बैटल ऑफ प्लासी जब होता है फिर उसके बाद 1757 में देन बैटल ऑफ बक्सर दो बैक टू बैक जो आपके बैटल्स होते हैं इसमें कंप्लीटली जो दीवानी राइट्स हैं ये आपके बंगाल के अंग्रेजी सरकार के पास चले गए और वहां से फिर आपका क्या होता है बंगाल का कंप्लीटली जो है जो रूल है वो इंग्लिश छोड़ के आपका जो बाकी जो है मुस्लिम रूल जो मीर कासिम एंड ऑल ये सब छोड़ के आपका देन कंप्लीटली कंपनी के पास आ गया ठीक है. तो 1905 में फिर आपका जो है यहाँ पे पार्टीशन जो पार्टीशन हुआ आपका क्यों पार्टीशन किया गया ये आपका जो यूनिटी थी ना यूनिटी हिंदू और मुस्लिम्स की इनको अलग करने के लिए ठीक है. अच्छा जी सुष्मिता जी बहुत अच्छे रिजॉर्ट है बट ताश ये मुझे समझ में नहीं आया या साइक्लोन. अच्छा जी ताश ने अच्छा 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 आप याश बोल रहे हैं ओके 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 याश बोल रहे हैं आप. अच्छा नहीं वो वहां पे दीघा हुआ ना ये तो दीघा ने कुछ कैजुअलिटी की है मंदार में तो अभी भी सेफ है वहां पे कुछ नहीं है ठीक है राइट. अभी मैं कुछ अरे मैं इतना अच्छा मौका था मैं अपनी यहाँ पे पिक्चर लगा सकती थी ना क्लास में बट लगा नहीं सकती थोड़ा अजीब लगेगा तो मैं अपनी पिक्चर लगा देती ना कि किस तरह की वहां पे रिजॉर्ट्स हैं क्या क्या है वहां पे है ना. अच्छा जी देन इसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल रिटर्न्स जो हो गया इसके पीपल्स ग्रोइंग मूवमेंट अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ स्पाइसेस ऑफ कांग्रेस लेड टू द यूनियन आपका 1911 में फिर से इसको एक कर दिया गया. बट जो पार्टीशन हुआ था उससे काफी ज्यादा जो है हेट्रेड जो नेगेटिविटी भी आई और पॉजिटिविटी भी आई दोनों चीजें आई. बाद में ये एक हो गया बट जो इसके घाव थे जो बाद में जो इसकी जो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हुई थी वो कम नहीं हो पाई थी ठीक है. जैसे आपका 1905 में जब यहाँ पे प्रॉब्लम्स की गई थी इसके दौरान यहाँ पे ज्यादातर जो है कैजुअलिटीज हुई और फिर बाद में फिर जो स्वदेशी है बॉयकॉट है ये भी इस वजह से ही यहाँ पे लेट आउट हुआ था. देन इसके बाद आपका 47 के बाद यहाँ पे क्या होता है ना बहुत ही मतलब बंगाल का आप हिस्ट्री पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में जानेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है काफी ज्यादा अच्छा है. अम्फन हुआ था अम्फन तो लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ था ना लास्ट ईयर अम्फन जब आया था ना बंगाल में तो पूरे के पूरे लाइक आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था बंगाल में कि कोई ऐसा तूफान आया हो अम्फन ने शुरुआत की थी और लगभग पूरा जो है आपका बहुत सारा जो इससे बहुत नुकसान हुआ था. न्यूज में तो न्यूज दिखाते नहीं आपको पता है न्यूज में तो आजकल कुछ और ही होता है. तो यहाँ पे क्या हुआ था कि बेसिकली बंगाल का अम्फन की वजह से बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे वेजिटेशन बहुत खराब हुआ था. एक तो वेजिटेशन आपका अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा बर्बाद हो गया था अम्फन की वजह से. यास आ ही नहीं पाया बंगाल में यास आया ही नहीं ठीक है. अच्छा अच्छा देखो इसको टेलीग्राम पे पिक्चर चाहिए. ना 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 क्या बात है रेसिज्म वाली फीलिंग से जैसे कि वो हिंदी बोलते हैं वो हिंदुस्तानी है हम बंगाल. अरे हाँ देखो बंगाल में क्या है ना बंगाली जो पीपल है बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा ये अगर मैं बोलूँ तो अवेयर है पॉलिटिकली बहुत अवेयर है. अगर जो बंगाल में अगर आप जाएंगे तो क्या एक्सपीरियंस करेंगे बंगाल में लोगों के पास क्या काम होता है जो रिटायर हो जाते हैं जो जिनके पास मतलब जो लाइफ के मतलब पूरा कर चुके हैं लाइफ ठीक है जी चुके हैं तो उनका क्या काम होता है कि यहाँ पे सुबह उठेंगे ब्रश कर रहे हैं और बाहर आएंगे इधर एक खड़े होंगे इधर एक खड़े होंगे इनको चाहिए एक मुद्दा लड़ने के लिए राइट. इधर से वो कुछ बोलेगा इधर से वो कुछ बोलेगा लड़ते रहेंगे और मतलब दो लोग आके उनके पास खड़े हैं वो उनका और सपोर्ट करेंगे. तो यहाँ पे बंगाल का कल्चर इतना अमेजिंग है अगर आपको फ्री में एंटरटेनमेंट हो जाए आप बंगाल में हो ना तो सच में मैं बता रही हूँ लिटरली कि बिना किसी बात का अगर कोई बोला ना मुद्दा बढ़ाना बहुत जोर से बोलते हैं एकदम चिल्ला चिल्ला के तो बंगाली लोग मतलब बहुत ही ज्यादा. शुभांकर जी अगर बताइए कुछ मैं गलत बोल रही हूँ तो ठीक है कुछ बताइएगा
तो बंगाली लोग इतना ज्यादा अवेयर है स्पेशली पॉलिटिक्स के लिए, अगर इनके सामने पॉलिटिक्स का कुछ बोल दिया आपने और अगर स्पेशली अपना कुछ फेवर बताने की कोशिश की तो फिर आपकी खैर नहीं। इतने ज्यादा अवेयर है लोग, चाहे आप इनसे 1947 का पूछ लें, चाहे आप 65 में क्या हुआ था, 70s में क्या हुआ था, किस वजह से इस ये गवर्नमेंट आ रही, किस वजह से वो गवर्नमेंट आ रही, इतना ज्यादा नॉलेज मैंने शायद ही किसी स्टेट में देखा। मैं कोई भी स्टेट मैंने छोड़ा नहीं है राइट इंडिया का, बट बंगाल में जो अवेयरनेस है ना, सच में यहाँ का नोबेल लैंड, मैंने इसलिए इसको बोला है, लोग बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली यहाँ पे ज्यादा, इनमें बहुत ज्यादा बुद्धि है, बुद्धिजीवी है, दिमाग है बहुत ज्यादा सच में। अब चेंज होना होने लगा। नहीं, शुभंकर जी हम कौन सा बाबा आदम के जमाने के हैं हम भी तो आजकल के ही हैं, बट नहीं है बंगालीज में लाइक उनका बंगाली जैसे, आप लैंग्वेज बहुत अच्छा है बट आप जब बात करेंगे तो ऐसा साउंड आता है जैसे चिल्ला रहे राइट, ऐसे चिल्ला शाउटिंग का थोड़ा सा लगता है। ओके बंगाली में पॉलिटिकल में बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इतना ज्यादा ना, अगर कोई बात आपको स्टार्ट करनी है तो आइस ब्रेक करना है, बस पॉलिटिक्स की बात छेड़ दो, बड़ा मजा आएगा वहां पे। देन फिर उसके बाद 47 में क्या हो गया ना, यहाँ पे बेसिकली अगर बात करूं मैं पॉलिटिक्स, 47 जब देश आजाद हुआ 65 तक, यहाँ पे बंगाल में इतना ज्यादा प्रॉस्परस था बंगाल स्टेट, बंगाली जो स्टेट हो गया, तो इसका नुकसान पता है क्या हुआ, क्या नुकसान हो गया यहाँ पे, कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी ना, इंडस्ट्रीज ये शिफ्ट कर गई, इंडस्ट्रीज जहां पे शिफ्ट कर गई वो बंगाल में नहीं रही, तो ये सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जहां तक मुझे लगता है बंगाल का। अब थोड़ा सा बैकड्रॉप में जाने का ठीक है नहीं कहता, तो ये यहाँ पे मेन रीजन हो गया। अब यहाँ पे रखते हैं सूर्या जी कॉमर्स एंड, ओ माय गॉड, तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी फिर से मुझे जाना पड़ेगा अपने ग्रेजुएशन में वेस्ट बंगाल। बुक बुक आई कैन नॉट सजेस्ट यू बट आई कैन टेल यू इजीली दैट टू हूम यू शुड गो फॉर। ओके अगर सच में ही रेसिज्म, नहीं 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 अरे अमरीश जी प्लीज क्लास में ऐसी बातें मत कीजिए, कोई रेसिज्म नहीं है, बहुत ही पीसफुल जगह है। देखो मैंने बताया था ना कल भी, अगर आप बंगाल में आपने कभी एक्सपीरियंस किया, एक तो फूड लिटरली इतना अमेजिंग फूड शायद ही पूरे इंडिया में कहीं कहीं मैंने खाया हो जैसा बंगाल में फूड होता है, अमेजिंग फूड कल्चर। यहाँ पे लोग खाना पेट भरने के लिए नहीं खाते, यहाँ पे लोग सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं। टेस्ट में अगर आप एक पूरा लाइक कुजीन खाएंगे यहाँ पे, तो उसमें घर में इतना खाना बनता है कि आपको, आपके ऑप्शन नहीं होता है कि आप बाहर जाके कुछ खा पाए, इतना ज्यादा खाना होता है। लाइक दोज हू हैव वेलकम्ड मी, जिन्होंने मुझे वेलकम किया बंगाल में, जिन्होंने जिनके मैं यहाँ पे मैंने टाइम बिताया, मुस्लिम्स हुआ देयर, हिंदूज हुआ, मैं सब कल्चर्स को जानती हूँ यहाँ पे राइट। आप हिंदू कैसे होंगे यहाँ पे, मुस्लिम्स कैसे होंगे, तो कोई बेवकूफ नहीं बना सकता मुझे ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी मैम स्वीटेस्ट लैंग्वेज बंगाली, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बहुत बहुत मिष्टी है, बहुत मिष्टी। देन इसके बाद हर एक खाने में आपको मिठाई मिलेगा, मतलब मीठा मिलेगा, मिष्टी होता है वो हर खाना, चाहे वो सब्जी क्यों ना उसमें भी मीठा होता है ऐसा। सूर्या जी बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में। तो फिर यहाँ पे बंगाल की मैं जो खास बात आपको बता रही थी कि एक तो बेसिकली यहाँ पे क्यों डाउनफॉल हुआ कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है ना ये शिफ्ट होना शुरू हो गई आफ्टर 1960s एंड ऑल, जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, जो कम्युनिज्म आ गया, गवर्नमेंट का ये थोड़ा सा रहा यहाँ पे, जब ज्योतिबा जो जो आपके बासु आए तो उनके टाइम पे काफी ज्यादा जो है इंडस्ट्रीज, एक तो दो रीजन हुए, एक हुए यहाँ पे स्ट्राइक्स, एक दूसरा हुआ यहाँ पे लॉकआउट ठीक है। स्ट्राइक्स और लॉकआउट में क्या रीजन हो जाएगा कोई बताएगा मुझे? स्ट्राइक्स में होता है कि बेसिकली एम्प्लॉयज होते हैं हम बैठ जाते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, लॉकआउट्स में होता है कि पूरी इंडस्ट्रीज ही बंद कर दी, अब आप जाइए अपने घर, यहाँ पे अब काम नहीं होने वाला। तो मैंने बोला ना बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली लोग अवेयर होते हैं और सेंटिमेंट्स भी बहुत ज्यादा जुड़े इनके पॉलिटिक्स को लेके ठीक है। अब देख लीजिए क्या हुआ था पॉलिटिक्स में, कितना ज्यादा यहाँ पे हुआ, और ऐसा स्टेट जैसे कि यहाँ पे मतलब कोरोना हो ही नहीं सकता, इतना धड़ल्ले से यहाँ पे पॉलिटिक्स चलाया गया, क्या 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 समझ क्या रखा है आपने बंगाल को, द्वारा कहा गया कि पोस्ट इलेक्शन धनकर, पूरा नाम बताइए, के बाद पहली बार इतना बुरा था इलेक्शन वाइज। देखिए पोस्ट इलेक्शन जो होता है ना वो उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होता है ठीक है, इलेक्शन के पहले पॉलिटिक्स होता है वो तो होता है, बट बाद में भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होता है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो जो जो यहाँ पे वायलेंस हुआ ये सच था, बिकॉज यहाँ पे मैंने देखा है कि आपके एमएलए जो होते हैं वो लिटरली घर में जाते हैं लोगों के, और यहाँ पे जो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोरोना हो जाए, कोई डेथ हो जाए, तो घर में जाके उसके हाथ पे पैसा देते हैं कि आप ये लीजिए। बंगाल में कभी कोई नहीं मरा भूख से, यहाँ पे इतना अच्छा मैं बताऊं आपको सिस्टम है आपका, पीडब्ल्यूडी का सिस्टम मैं बोलूं ठीक है,
कोई भी पर्सन आप में बात कीजिएगा, अगर बंगाल में जो वर्किंग क्लास लोग होते हैं, तो वर्किंग क्लास लोग हार्डली हार्डली कोई लोग भूख से यहाँ पे मरा होगा ड्यूरिंग कोरोना। कोरोना में जहाँ यूपी का हाल देख लीजिए आप, कितना बुरा हुआ था, माइग्रेंट्स हुए थे पहली बात तो, और ऊपर से यहाँ पे बिहार का देख लीजिए कितने वर्कर्स यहाँ पे आए, आप सबको पता है क्या हाल हुआ है। बट वेस्ट बंगाल में जैसे यहाँ पे जो भी जो जो भी मिनिमम खाने की चीजें होती है सब कुछ ममता दीदी ने घर पे पहुंचाया सबके, और इतना अच्छा मतलब मैनेजमेंट सिस्टम था, वीकली यहाँ पे उसको मैनेज किया गया, ठीक है, वीकली मैनेज किया गया, कहीं कोई बीच में इसको मतलब कालाबाजारी ना हो जाए इसमें, ठीक है। नहीं ये हम नहीं क्लेम करेंगे बेस्ट है नहीं है, बट हाँ ये जो जरूर है कि मैनेज बहुत बढ़िया किया इन्होंने वेस्ट बंगाल को, बहुत बढ़िया मैनेज किया है। नो डाउट कुछ कमियां हैं, उनमें भी कमियां हैं कि बहुत एग्रेसिव है यहाँ के लोग, मतलब कोई लोग नेगेटिव, मैंने सब सुना है नेगेटिव भी बोलते हैं पॉजिटिव भी बोलते हैं, बट जहां तक हम एनालाइज करेंगे वो हम वेलफेयर में करेंगे। हमारा क्या काम है, हमें आंसर लिखना है एकदम बैलेंस्ड, हमें ना इधर जाना है ना उधर जाना है, ना हमें लेफ्ट बनना है ना हमें राइट बनना है, हमें बैलेंस्ड बनना है, लिबरल होकर आंसर लिखना है हमें, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिक्स है नो डाउट बहुत खराब है, बट यहाँ पे जो मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर पुलिस सिस्टम अगर देखें, पुलिस इतना बेहतरीन पुलिस मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ पे जब लॉकडाउन हुआ तो रात के 10-10 बजे तक मैंने खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, जो पुलिस है वो गांव गांव में मतलब खड़ी रहती थी कहीं कोई बाहर ना निकल जाए, कहीं कोई रूल तो नहीं तोड़ रहा, और लोगों में इतना अच्छा कल्चर है यहाँ पे, कल्चर की अगर मैं बात करूँ बंगाल की, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लंच वाला सिस्टम नहीं है कि आप ऑफिस जा रहे हैं अपना लंच साथ में लेके जा रहे हैं, नहीं, यहाँ पे प्रॉपर खाने का इतना शौक होता है लोगों को, लंच के लिए घर जाते हैं, आधा चाहे एक घंटे कितना ही नुकसान हो जाए आपका, शॉप बंद करना पड़े कुछ भी करना पड़े, बट घर जाएंगे वहां से। बट ज्यादा भिखारी भी यही है अराउंड 20-25%, नहीं 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 और भिखारी है ना बलिराम अगर ये बोल रहे हैं तो कोई भी मुझे स्टेट बता दीजिए जहाँ पे आपको पता चले कि जो कोई वर्किंग कोई मजदूर है जो बिहार से जाते हैं यूपी से जाते हैं झारखंड से जाएंगे, बट बंगाल का कभी भी कोई लोग आपको भीख मांगता हुआ दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा, अपने ही स्टेट में रहेंगे, अगर भीख भी मांगेंगे तो अपने ही स्टेट में रहेंगे। किरण जी ओके, किरण जी वेलकम वेलकम। तो इतना बढ़िया मैनेजमेंट सिस्टम है बंगाल का, जवाब नहीं है इसके लिए, राइट। नो डाउट बुराइयां बहुत है, बट हम बुराई क्यों देखेंगे, हम पॉजिटिव देखेंगे, राइट, हम पॉजिटिव देखेंगे। 10 लाख रुपी फ्रॉम गवर्नमेंट एज अ स्टूडेंट क्रेडिट, और हाँ ये बहुत बढ़िया आपने याद दिलाया, अगर कोई यहाँ पे फीमेल अगर विडो हो जाती है, कोई यहाँ पे किसी को घर में कोई प्रॉब्लम, कोई स्टूडेंट है, इतना अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम है विमेन्स के लिए, वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट स्टेट विमेन्स के लिए। अगर आप जाए और अकेले आप लड़की हैं अनमैरिड है, आप अगर रहना चाहें आप घर बिना विदाउट योर फैमिली, तो आप वेस्ट बंगाल आपके लिए बेस्ट है, इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है इंडिया में। आप मैं तमिलनाडु गई हूँ, इधर आप केरला देख लीजिए, बहुत बहुत सारे स्टेट्स हैं, बट वेस्ट बंगाल में जो विमेन्स का जो बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा विमेन सेंट्रिक ये बोला जाएगा स्टेट, और बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, वुमेन के लिए स्पेशली यहाँ पे रिस्पेक्ट है। आप चाहे शक्ति पूजा लगा लीजिए, दुर्गा पूजा की वजह से लगा लीजिए, वुमेन का बहुत रिस्पेक्ट है, राइट, और से है प्रॉपर से है लेडीज का प्रॉपर यहाँ पे से है, ऐसा नहीं है फैमिली में लाइक बहुत रिस्पेक्ट मिलता है यहाँ पे, राइट। कन्याश्री रूपाश्री ये सब सब देखा है मैंने, सुना है इनके बारे में बाउंड्री, बिल्कुल सही कहा। इतना यहाँ पे आप जाइए किसी भी बैंक में अगर आप जाएंगे तो लोन लेने के लिए आपको बरसों लग जाएंगे, लोन नहीं मिलेगा। दीदी ने मतलब ममता दीदी ने स्पेशली यहाँ पे लोगों को बोला गया है बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम कि आप आइए हम आपको लोन देंगे, आप आइए कितना भी मतलब बुरा कंडीशन, यहाँ पे फीमेल्स काम करती है, फीमेल्स बिजनेस चलाती है, राइट, कुछ नहीं 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 अच्छाई देखनी तो क्या प्रखर बहुत बढ़िया, देखो क्या बात है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन किया इन्होंने, जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है, बिल्कुल पूरा कॉल पर, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। बहुत सारी स्कीम है यहाँ पे बीडो के लिए, लड़कियों के लिए, और स्पेशली जो आपकी साइकिल दिया जाता है, आई थिंक बहुत सारी चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट ही देती है, कितना भी आप स्टेट यहाँ पे चाहे वो गरीबी में जाए। अब आप देखिए एक और एग्जाम्पल में देती हूँ, यास जब आया ना, यास तो कोई भी स्टेट का प्राइम मिनिस्टर आप चीफ मिनिस्टर लगा लीजिए इतना ज्यादा अवेयर नहीं होगा। दीदी खुद बैठी वहां पे जहां पे प्रॉपर लगा उनको कि इधर से आपका जो यास है आपका आने वाला है तूफान, वहां प्रॉपर वो सब डीएम के साथ मीटिंग किया, वहीं पे बैठी जब तक यास आएगा नहीं उसके सामने बैठी रहूंगी, दिस इज कॉल्ड आयरन लेडी, बहुत गजब का स्टैमिना उनका, गजब की है, राइट, और बहुत ही अच्छी बातें लगती है उनके लिए, उनको उनको अपना ना बनना, शायद उनके जो ऑफिस का नाम है ना बनना,
देखा है मैंने, राइट, उनका ऑफिस भी देखा है। तो नाबन्ना यहाँ पे जो ऑफिस है उनका, तो वहां पे प्रॉपर ये बैठी रही जब तक कि यास नहीं आ जाता, मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से चाहे जो हो जाए। और वो बिल्कुल मतलब पास में है वहां पे, क्रिटिकल एनालिसिस भी होना चाहिए, होना चाहिए, नो डाउट। अब देखो जल गए, जलने वाले जलते रहेंगे, बट हमें तो पसंद है वेस्ट बंगाल। ये देखो, देन एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात करें तो सिर्फ 70% लगभग जो आबादी है, स्पेशली देखो यहाँ पे राइस होता है, राइस के साथ साथ यहाँ पे आपका जो है पटेटो की बहुत ज्यादा खेती होती है। देन इसके साथ साथ जूट होता है, जूट आपका बेसिकली देखो हुआ क्या पार्टीशन के टाइम पे, जूट जहाँ पे हुआ ना, ये जो आप मैप देख लो एक बार फिर से, मैप पे चलते हैं, तो जूट का खेती, जूट की जो इंडस्ट्रीज थी वो सारी यहाँ चली गई, खेती सारी यहाँ पे होती है। तो मतलब काफी इम्बेलेंस हो गया, जूट का जो खेती हुआ और जो जहाँ पे फैक्ट्रीज लगी हुई थी, तो जहाँ पे फैक्ट्रीज है वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जहाँ पे प्रोडक्शन है वहां पे फैक्ट्रीज नहीं है। तो आफ्टर पार्टीशन जब हमारा 47 में ये लगा कि आपका इसमें चला गया पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान बन गया था ये पार्ट जो बंगाल का है, और इधर वाला आपका हमारा बंगाल आ गया, तो इधर से बड़ा प्रॉब्लम हुआ था फिर, राइट। फजली मैंगो मैंने जो खाए हैं सुष्मिता जी, मैंने मैंगो जो खाया है छोटा मुंबई, राइट, जो वेराइटीज है, और उसके अलावा लाइक बहुत सारे अभी याद नहीं आ रहा, लाइक मैंने 5 से 6 वेराइटीज यहाँ पे आम्रपाली, 5 से 6 वेराइटी मैंने खाई है, जो अगर बंगाल के आम की बोलूँ, अमेजिंग आम होते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलिएगा। देन यहाँ पे आपका जूट और जो चावल के बाद उसमें चाय है, चाय उधर दार्जिलिंग में हो जाएगी, मक्का तंबाकू और गन्ने के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी जो है ये फसलें उगाई जाती हैं एटलीस्ट, ठीक है। देन उसके बाद आपका यहाँ पे कल्चर है, आप बंगाली के किसी भी घर में जाएंगे ना, हर घर में पॉन्ड होता है, सौरभ जी से पूछ लीजिए, हर घर में पॉन्ड होता है, अपना पर्सनल पॉन्ड होता है। हमारा मैंगो ट्री है, बहुत मैंगो का है, कौन से वाला मैंगो है सौरभ, जलता कौन है, सारा इंडिया हमारा ही है, रिस्पेक्ट थोड़ी से। अच्छा, देखो देखो इसको, ठीक है, फिर मैं कुछ बोलूंगी फिर आप बुलाओगे। चलिए अल्फोंसो, ये अल्फोंसो तो ये हमारा मतलब थोड़ा सा बाद का ब्रीड है अगर मैं बोलूं तो, रजनीश जी, बट बंगाल इकोनॉमी दे रहे वही आ रहे, वही आ रहे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे 70% के आसपास फिर यहाँ पे आपका जितनी भी है ये आपकी बेसिकली जो पॉपुलेशन है ये यहाँ पे आपकी खेती करती है। देन इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज पे ज्यादातर यहाँ पे फोकस रहता है, इंडस्ट्रीज का टेक्नोलॉजी जनरेशन, अगर मैं बात करूँ कोयला है धनबाद में बट बनता है इधर, मतलब प्रोसेस होता है, और जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है वो यहाँ पे रानीगंज में, दुर्गापुर लगा लीजिए, आसनसोल लगा लीजिए, बहुत सारी जितनी भी फैक्ट्री एरिया है वो सारा यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बंगाल में हो जाएगा। बट जो बंगाल का जो इकोनॉमी है लेटर ऑन मैंने बताया 1960s 1970s के बाद स्पेशली यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डाउनफॉल होने लगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमी मेनली रीजन था मैंने बताया कि तो स्ट्राइक्स और लॉकआउट जो मैंने बताया ये रीजन हुए, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो मिसमैनेजमेंट हुआ पॉलिटिक्स में, राइट, पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा कम्युनिज्म आ गया और ये सब, तो ये सब चीजें कुछ हार्मफुल हुई इसके लिए, राइट। हाँ, हिमसागर खाया, हिमसागर बिल्कुल सही कहा, एक सुख सागर भी है, एक हिमसागर होता है, वो भी सब खाया है, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, देन स्पेशली सीड्स, देन फर्टिलाइजर, सब्सिडी, क्रेडिट, ये सब चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी है स्पेशली जो किसान है उनके लिए। देन इसके बाद सीड टेस्टिंग हो गया, सीड सर्टिफिकेशन हो गया, प्लांट प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये एग्रीकल्चर का पार्ट बंगाल में काफी ज्यादा बढ़िया है। अब रिवर्स की जहां तक बात करें तो देखिए नॉर्थ जो रिवर है बंगाल की अगर उसमें बात करें तो गंगा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी, गंगा रिवर बेसिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और गंगा की यहाँ पे बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो इधर से देखिए मेन जो गंगा है आपका इधर जाके जो आपकी जमुना फिर बोली जाता है, बोला जाता है इसको बांग्लादेश में, ठीक है, लेक्जम्बो, जीआई टैग मैंगो, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बलिराम, चाहती तो हाथ खड़े कर सकती थी केंद्र सरकार और कौन सा प्रदेश हो जिसने मौत का नहीं छुपाया, लेकिन उनके पास बंगाली नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तानी प्रेफरेंस है। अच्छा जी, चलिए देन इसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये कुछ आइलैंड्स हैं जो आपकी मैंने मैप में उसमें नहीं दिखता है, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ता है इनको, तो ये देखिएगा ये न्यू मोर आइलैंड हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका जो बंगाल, वेस्ट बांग्लादेश और बंगाल का जो पार्टीशन है इसमें न्यू मोर के लिए दोनों देश लड़ते रहते हैं, बोलता है मेरा ही, बोलता है मेरा है, तो ये न्यू मोर जो साउथ ये आपका तालापति आइलैंड, और जो मैं बोल रही हूँ आपका ये मैं इधर के बारे में बात कर रही हूँ, थोड़ा इधर तो आप जाएंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये जो आइलैंड 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 थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना आपको,
यहाँ पे बड़ा अच्छा एक वो लगता है, जो बे ऑफ बंगाल में किसी भी आई थिंक उसमें जाएंगे आप जो सी में, तो जो आपके टाइड्स आते हैं ना, कि शाम को आप जाएंगे तो दिन में वो आइलैंड दिखेगा, तो उस आइलैंड पे मैं खड़ी हो गई जाके, ठीक है, तो आइलैंड का नाम नहीं बताऊंगी, पहुंच जाएंगे वरना आप, वो आइलैंड पे मैं जाके खड़ी हो गई, ठीक है भाई, आइलैंड आइलैंड है, ठीक है, मजे करते हैं। तो आइलैंड जब देखा शाम के टाइम, तो वो फिर से आपका जो पानी है उसमें बढ़ गया, तो आइलैंड में मैं डूब गई, ठीक है, तो वहां से मुझे डाइव आउट करना पड़ा, तो काफी मुझे दिक्कत हुई वहां से। तो ये एक थोड़ा सा लगता है कि जहाँ पे टाइड्स आते हैं प्रॉपर सी में, तो उनके साथ मजाक नहीं करना चाहिए, नेचर के साथ, तो वही मैंने, मेरे साथ होता है, मैं हमेशा ही ऐसे करती रहती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इधर का जो बीचेस हो जाएंगे, सी हो जाएगा, तो सी में क्या होता है कि दिन में जैसे मॉर्निंग में जो जितना भी आपका जो है लेवल रहता है सी का, मीन लेवल, तो वो थोड़ा ज्यादा होता है, दोपहर तक आते आते थोड़ा कम हो जाता है, सी थोड़ा पीछे जाता जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा और चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वहां पे आइलैंड था बीच में एकदम, तो बहुत दूर जाके अराउंड 700 मीटर और 500 मीटर अवे फ्रॉम द बीच, और फिर उसके बाद उस आइलैंड पे जाके मैं थोड़ी पिक्चर्स वगैरह लिए एंड ऑल। देन यहाँ पे फिर देखा कि शाम तक चलो बैठते हैं यहीं पे, क्या बात हो गया, तो फिर यहाँ पे थोड़ा बैठा फैमिली वैमिली के साथ। देन फिर इधर से देखा तो पानी हमारी तरफ आ जा रहा है, जा रहा, फिर थोड़ा थोड़ा कम बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट करते हैं, तो देखा तो पूरा ही पानी हमारा यहाँ तक आ गया, फिर वहां से निकलना तो कैमरा बहुत मुश्किल हो रहा था। एनलिस्टेड दैट गुजरात मैंगोज गुड सर ट्रांसफरिंग फॉर, चलिए ये तो फॉरेन में तो भेजा ही जाता है, जो स्पेशली जो मैंगोज होते हैं अल्फोंसो, और लाइक ये जो आपकी मैंने बताई जो ब्रीड्स होती हैं, ये तो स्पेशली आपका वेस्ट में जाने के लिए ही उगाई जाती है, राइट। देन आपका, और एक और खास बात है मैंगो की, मैंगो की इतनी सारी ब्रीड है, बट हर एक मैंगो अलग टेस्ट करता है। एक जो मैंगो है, अगर आपने कभी ट्राई किया है, छोटा मुंबई नाम होता है, बंगाल में होता होगा, राइट, तो उसमें क्या होता है, उसका टेस्ट होता है चॉकलेट जैसा, चॉकलेट जैसा टेस्ट होता है उसका, राइट, आप कभी उसको खाएंगे तो भूल जाएंगे चॉकलेट, अमेजिंग। ये देखो तो सब नेचर में है, सब है नेचर के पास, ये देखो। देन यहाँ पे आपको जो गैंजेस है, गैंजेस रिवर, इधर से आपका जो यूपी, यूपी के बाद आपका थोड़ा सा झारखंड को टच करते हुए मैंने बताया था कल, कौन सा, साहिबगंज जो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा यहाँ पे, फिर पुरुलिया, यहाँ से फिर आपका आती है बंगाल में एंटर करती है, फिर इधर से आपका जो है जो ब्रह्मपुत्र आती है, देन ये यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसको जमुना बोला जाता है, जमुना के बाद यहाँ पे मिलके पद्मा बन जाती है, देन फिर यहाँ पे मेघना बन के फिर जो आपका डम कर जाती है, कहाँ पे, आपका बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में इधर जब आपका ये जाने से पहले ये बनाती है डेल्टा, तो डेल्टा जो बनाती है, डेल्टा में आपका होता है सुंदरबन। सुंदरबन इंडिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है, इंडिया में वैसे तो 7 अदर स्टेट्स आर ऑल्सो देयर जहां पे आपका मैंग्रोव आपको मिलेगा, बट जो बंगाल का मैंग्रोव है ना, यहाँ पे अभी ना सुंदरबन हनी, देखो जी सुंदरबन जाते हैं, सुंदरबन गए तो वहां पे लगेगा टाइगर, देखेगा आया आया अभी आया अभी आया, और कहीं नहीं था टाइगर, ठीक है, कोई टाइगर नहीं है वहां पे, आज आज कोई टाइगर ही नहीं बचा है, बंगाल टाइगर के नाम से सब ले गए अंग्रेज उनकी स्किन निकाल निकाल के, तो यहाँ पे कोई टाइगर ही नहीं बचा है, राइट, तो ऐसा बुरा हाल हो गया सुंदरबन का, सुंदरबन की सुंदरता ही खत्म हो गई। तो ये देखो, तो यहाँ पे आपका जो सुंदरबन हो जाएंगे, ये एकदम बिल्कुल जो माउथ ऑफ गंगा है, यहाँ पे पूरा मैंग्रोव एंड ऑल सुंदरी ट्री, और उसका जो साथ जो जितने भी आपकी मैं बोलूँ फ्लोरा एंड फौना है ये यहाँ पे स्पेशली, बिल्कुल सही कहा हर्षी, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेट जो कल होगा, कल हमारा कौन सा स्टेट होगा, सातवाहना स्टेट, विच वन, सातवाहना स्टेट, आंध्राज, हमारे आंध्रा, आंध्रा जी, हमारी दीक्षिता और हर्षी जी, ठीक है, बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, तो शहरी लंगड़ा चाचा के फैन है, ये तो सब नॉर्थ इंडिया तक ही लिमिटेड है, बाकी तो आम आपने खाया ही नहीं अमरीश जी, आम थोड़ा खाइए इधर आइए, फिर थोड़ा आप महाराष्ट्र में जाइए, और जो है थोड़ा सा आप एमपी में जाइए, बहुत बहुत बढ़िया वैरायटी है आम की, आम एक नहीं आम हजारों है, इसलिए तो नाम याद ही रहते हैं, बहुत ही ज्यादा नाम है इनके। ओके चलेगा, देन इसके बाद अगला जो हो जाएगा, अगला हम बात करेंगे प्लांट एंड एनिमल लाइफ, अब इसके बारे में बात करें, देन इसके बाद कभी आपको मारते हैं हिंडन में डुबा के, अभी आपका मन जीत रहे हैं, क्या बात है, लाइक कर दीजिए क्लास को, क्लास को लाइक करते रहिए, रेगुलर क्लासेस आएंगी सुष्मिता जी, रेगुलर क्लासेस आएंगी इवनिंग में मेरी, और क्लासेस का जो टाइम है वो रहेगा आपका, यहाँ पे कुछ आज मैंने गड़बड़ कर दिया, ये देखिएगा, तो थोड़ा सा वेट करिए मैं आपको बताती हूँ, इवनिंग में 7 बजे की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, 7 बजे की क्लास आप जरूर जो है ज्वाइन कीजिए।
लेट मी टेल यू फर्स्ट कि आप अगर यूपीएससी के महापैक में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे महापैक ईएमआई में अवेलेबल है, इजी ईएमआई, बहुत ही कम प्राइस में, एकदम ना के बराबर प्राइस है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन आज से 10 साल पहले 5 साल पहले करते तो ये प्राइस कभी भी अवेलेबल नहीं था जितना फ्री आज हो रहा है। ये देखिए 4100 आफ्टर 77% डिस्काउंट, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, कौन सा कोड? Y326, 3 2 6, ठीक है, ये मेरा कोड हो जाएगा। कोड को याद रखना है यहाँ पे ठीक अमरीश जी। देन इसके बाद आप यहाँ पे महापैक आपको 1 साल के लिए वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। इसमें टेस्ट सीरीज भी होंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगे, मटेरियल भी होगा, ई बुक्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, मेरा ही कोड यूज करना है जी। कौन सा? यहाँ पे Y326, ये मेरा कोड हो जाएगा, दिस इज मी। आप इसको यूज करेंगे तो बेहतरीन डिस्काउंट आपको मिलेगा कोर्सेज में। चलिए वापस चलते हैं। तो प्लांट और एनिमल लाइफ, क्या कोड है मेरा बताना बाली, बताना मेरा क्या कोड है। आयरन लेडी के बारे में क्या पूछा मैंने? आप, मैंने देखा नहीं प्रखर जी, मैंने देखा नहीं। महिला बांध के आम तो लंदन यहाँ आ जाओ ब्रो, लॉट्स ऑफ मैंगोज। हाँ बाली के आम भी मैंगोज होंगे नो डाउट। अच्छा हरियाणा के बारे, हरियाणा छुट्टू सा है ना, बहुत छोटा है तो, और वैसे भी मतलब थोड़ा सा दबा हुआ है तो उसको थोड़ा सा बाद में करेंगे हम, ठीक है। आएगी आएगी, हरियाणा की बारी भी आएगी, सबकी बारी आएगी, एक एक का बदला लेगा फैसल सबका बदला लेगा। घबराए हुए पानी पी लीजिए। अच्छा मैं घबराई हूँ, माय गॉड अंबिका जी फास्ट बोलते घबराए हुए, एक्चुअली थोड़ा सा फास्ट बोलते है ना, तो इसलिए आपको लगता है देखने, बट ऐसा कुछ नहीं माय मेड इज देयर, क्या बोलेगी वो, आप बनाए हुए। चलिए देन इसके बाद यहाँ पे देखिएगा फॉरेस्ट जो है, आप इसके फॉरेस्ट के बारे में अगर जाने, बदमाश जगह बदमाश चले, ये देखो ये बाली हमारा बदमाश, एक नंबर है बदमाश है। ये देखो फॉरेस्ट ऑक्यूपाई मोर देन वन टेंथ ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द स्टेट, मतलब फॉरेस्ट यहाँ पे जाएंगे, इतना ज्यादा बारिश होता है, बारिश बहुत ज्यादा होता है बंगाल में, राइट, और इसलिए बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा मिलेगी बंगाल में, ओके। और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी प्लांट लाइफ भी होगी, बहुत सारे एनिमल्स होंगे यहाँ पे, जो है फौना है अलग अलग तरह की वो होगी, वेजिटेशन तो होगी ही, साथ में आपका सब हिमालयन ट्रॉपिकल, बेसिकली यहाँ पे आपका क्या होता है ट्रॉपिकल एनवायरमेंट पाया जाता है, आपका सब ह्यूमिड एनवायरमेंट जिसको हम बोलेंगे वो पाया जाता है। देन इसके बाद सब हिमालयन प्लेन्स और प्रिंसिपल फॉरेस्ट इंक्लूड्स, साल हो जाएगा, रॉबस्ट शीशम हो जाएगा, शीशम का जो है फर्नीचर बहुत फेमस है वो यहाँ पे होता है, राइट। तो बहुत सारी जो आपकी ये जो ट्रीज है यहाँ पे पाए जाते हैं, इंडियन रोज वुड हो जाएगा जिसको हम दलबेरिया सीसू बोलते हैं, द फॉरेस्ट इंटर स्प्रेड विद रीड्स एंड टॉल ग्रासेस, यहाँ पे जो ग्रासेस भी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होती है। बारिश हो, अरे 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 बारिश हो रही है, क्या बात है पलोमी, नमस्कार, आपका स्वागत है, स्वागत है आपको मेरी क्लास में। ये बात है कि इस सीजन में अब तक आम नहीं खाया है, ओ हो हो, तो फिर आप अमरीश जी आपको गरीब माना जाएगा, ठीक है, बहुत ही गरीब निकले आप तो। चलिए आपने अगर आम नहीं खाया तो गरीब ही आप बनता है। इसके बाद हिमालय की जो अगर हाइट्स पे बात करें तो वहां पे जो वेजिटेशन होती है उसको अगर एलिवेशन से उसका जो है थोड़ा सा कंपैरिजन करें बंगाल के साथ, तो यहाँ पे अकरिंग एट हायर लेवल्स, जो हिमालयन में जो हिमालयस वेजिटेशन होती है वो यहाँ बंगाल में हायर एलिवेशन, दार्जिलिंग में चले जाइए वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। जो हिमालयन एलिवेशन होती है दिखा देते हैं, दर्शन करा देते हैं आपको, ऐसी भी क्या बात हो गई, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये दार्जिलिंग है जी हमारा, ये दार्जिलिंग है, ठीक है, ये दार्जिलिंग के पिक्चर्स हो जाएंगे, तो हिमालयस का जो थोड़ा स्ट्रेच है इसमें पाया जाता है। देन यहाँ पे जो टी गार्डन है, टी गार्डन हो जाएंगे, देन यहाँ पे ये टी गार्डन जो आपके दार्जिलिंग के फेमस है, देन फिर आपके आसाम में जाते हैं यहाँ पे। देन इसके बाद रणप्रिया जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए क्लास को ना ना मैं सब समझती हूँ, ये खूब बदमाश है, ठीक है, मैं समझती हूँ उनको, बाली बोलते हैं मैडम आप मुझे जानते ही नहीं। चलिए देन इसके बाद डेल्टा ऑफ हुगली कॉन्स्टिट्यूट्स द वेस्टर्न एंड ऑफ डेंस कोस्टल मैंग्रोव्स, अगर इसके यहाँ पे अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। देन कॉल्ड सुंदरबन, इनको हम सुंदरबन बोला जाता है, सुंदरी ट्री की वजह से इनका नाम सुंदरबन पड़ा, आप सबको पता है जी। आम है,
अरे 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 अरे, क्या बात है! 64 kg आम, पूरा पेड़ ही तोड़ा है क्या आज ही? राइट, सो मेरे जो आम है वो एक पेड़ आम का खराब हो गया, राइट, बिकॉज अकेले हैं तो कोई हैंडल करने वाला नहीं है, राइट, और जो मेट से वो कर नहीं पाते हैं, तो मेरा एक आम बर्बाद हो गया, एक आम खूब खाया मैंने। ये तो पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है दार्जिलिंग में, तो बोला दार्जिलिंग, अरे आपको दार्जिलिंग नहीं पता? हरीश जी, क्या बात कर रहे हैं आप! ये देखिए, प्री क्लास 4 आर स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन, अभी से सुनिए जी, यही हमारा जो वही प्री क्लासेस है, राइट, जो हम अभी ये क्लास हो रही है आपकी, ये आपकी प्री क्लासेस अभी से स्टार्ट है, ठीक है? आपका क्वेश्चन बालीराम कहाँ पे आपने पूछा है आपका? माय क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाट आर रेमेडीज? रेमेडीज तो इसके बारे में तो फिर तो क्वेश्चन हो गया ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो पहले ये पूरा कर ले, पूरा कर ले, टाइम भी हो गया है वैसे, राइट। मुर्शिदाबाद में आम ही आम है हमारे यहाँ। अच्छा जी, आप मुर्शिदाबाद से हैं, वेरी गुड, फॉलो मी, बहुत बढ़िया। देन इसके बाद लार्ज पोर्शन जो है आपका, ये आपका अनरिक्लेम्ड एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड आर बॉर्डरिंग बांग्लादेश एंड बे ऑफ बंगाल हैज बीन सेट असाइड अ नेशनल पार्क एंड आल्सो, ये देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको बनाया गया है, जहां पे अगर मैं बोलूं जो बे ऑफ बंगाल सुंदरबन साइट जो अगर बोलेंगे तो उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनाया गया है, राइट। अच्छा जी, ये देखो, द फॉरेस्ट आर इनहेबिटेड बाय टाइगर्स, लियोपर्ड्स, एलिफेंट्स, गॉड्स, ये यहाँ पे जो है आपकी, अगर मैं फौना के बारे में बात करूँ तो ये वो हो जाएगा, अगर ये इसको हम बात करें राइनोसॉर्स, ये भी यहाँ पे जो गैंडे होते हैं एक सींग वाले, वो तो बेसिकली काजीरंगा में होते हैं, बट यहाँ पे भी वो सब वेजिटेशन जो फौना है आपको मिलेगा, राइट। देन एनिमल्स और कौन से हो जाएंगे इसमें? इंडियन प्लेन फ्राज एंड स्मॉल रेप्टाइल्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, लगभग सब यहाँ पे पाया जाता है, और जल्दा पारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, बक्सा टाइगर रिजर्व है, काफी सारे यहाँ पे। सुनील जी, मेरी क्लास का टाइम सुबह हो जाएगा 9 बजे और शाम को हो जाएगा 5 बजे, तो 9 5, ठीक है, ऐसे याद रखना, सुबह 9 से 10 क्लास होती है, शाम को 5 से 6 क्लास होगी, अब 7 से 8 क्लास होगी मेरी यूपी अड्डा पे, राइट, यूपी अड्डा पे क्लास होगा, वहां पे जरूर आइएगा ज्वाइन कर, राइट। देन इसके बाद कल्चरल लाइफ, अब मेन जो पार्ट आ गया, सबसे फेवरेट पार्ट, वो है जी कल्चरल। अब कल्चर में क्या क्या है? ऑफकोर्स हमारी दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजो, राइट, पूजो होता है ये, तो इसमें आपका जो बंगालीज है बहुत ही ज्यादा कल्चरल और रिलीजन के लिए बहुत ज्यादा मतलब डेडिकेटेड होते हैं बंगाली लोग, ओके। तो यहाँ पे आपका जो है फॉरेस्टेड आर्ट होता है, लिटरेचर है बहुत अच्छा, म्यूजिक, रविंद्र संगीत, हर एक घर में। मैं जब बंगाल में थी, राइट, तो सुबह उठते थे तो रविंद्र संगीत से, रात को सोते थे तो रविंद्र संगीत से, राइट, इतना ज्यादा यहाँ पे संगीत होता है, हर घर में एक अरिजीत सिंह आपको मिल जाएगा, वो बात अलग है, किसी को मौका मिल गया तो बन गए, किसी को नहीं मौका मिला तो घर पे है, ठीक है, हर घर में यहाँ पे अरिजीत सिंह मिलेगा आपको। प्रखर प्रखर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रही वहां पे, ठीक है। दुर्गा पूजा और भी कल्चरल प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, ये देखिए। देन विजुअल आर्ट्स, इसमें आपका हो जाएगा ट्रेडिशन, आपकी क्ले मॉडलिंग होगी, टेराकोटा हो गया, देन आपका पेंटिंग हो गया, बंगाली लिटरेचर हो गया, ये आपका 12th century से पहले चैतन्य मूवमेंट हो गया, इंटेंसली इमोशनल फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो मेडाइवल सेंट चैतन्य महाप्रभु है, हरे राम हरे कृष्णा जिन्होंने दिया था, राइट, तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पूजे जाते हैं, मंदिरों में प्रॉपर उनका पिक्चर लगाया जाएगा, चैतन्य महाप्रभु का, विवेकानंद जी का, देन यहाँ पे जो रामकृष्ण परमहंस थे उनका पिक्चर लगाया जाएगा, मंदिर में पूजा जाता है उनको, राइट, बहुत ही ज्यादा ये मतलब रिलीजन के लिए। जो बेलूर मठ है, बेलूर मठ से आपके आते थे रामकृष्ण परमहंस, मैंने वो मठ भी देखा है पूरा, जो नौका से पार करते थे, बताया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में वो पूरा जो है रिवर पार करके आते थे रामकृष्ण परमहंस जी, दक्षिण दक्षिणेश्वरी जो टेम्पल आपका वहां पे है ना रानी प्रिया, am I right? बिल्कुल। तो इसके बाद यहाँ पे जो बंगाली में पोइट्री है, और गीतांजलि को, तो गीतांजलि की वजह से तो हमारे जो ठाकुर जी को मिला ही था यहाँ पे, राइट, मायापुर इस्कॉन, इस हाँ मायापुर के टेम्पल बहुत फेमस, वो मेरा एक रहता है वहां पे, राइट, मायापुर जाना है। देन इसके बाद यहाँ पे वेस्ट आपका स्पार्क विग्रेस आपका क्रिएटिव सिंथेसिस, देन इसके बाद नोबेल प्राइज जो आपका मिला रविंद्रनाथ जी को, किस वजह से? 1913 में गीतांजलि जो उनकी एक राइटिंग थी, पोएम्स थी, उसकी वजह से उनको यहाँ पे प्राइज मिला है। नहीं नहीं बाली जी, अभी नहीं हो पाएगा, राइट, अभी थोड़ा सा ये रहता है, इसके बारे में डिस्कस करना, ये अभी नहीं हो पाएगा, अभी तो रिवर्स तो पूरा ही रहता है। ये देखो, देन यहाँ पे दुर्गा पूजा, ये इस तरह के पंडाल्स होते हैं, ये देखिए दुर्गा पूजा, यहाँ पे ये तो पूरा हमारा जो साड़ी है कुछ इस तरह से पहनी जाती है, बंगाली साड़ी प्रॉपर अलग होती है, ये देखिए, ये देवी जी ने बहुत यहाँ पे मेहनत की थी इस पे। देन इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा
एक और जो पार्ट हो जाएगा, ट्रेडिशनली जो है म्यूजिक यहाँ पे काफी ज्यादा जो है उस पर फोकस किया जाता है। शांति निकेतन, रविंद्र संगीत यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग इस पे ध्यान देते हैं और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है रविंद्र संगीत के लिए। अगर बोले कुछ भी पढ़े बच्चा, बट उसको रविंद्र संगीत जरूर सिखाना है, राइट। देन उसके बाद कल्चरल सॉन्ग्स हो गए, रविंद्र संगीत सॉन्ग्स रिटन कंपोज बाय टैगोर, ड्रॉन प्योर इंडियन क्लासिकल, जैसे आपका फोक म्यूजिक हो गया, बॉल सिंगिंग हो गया। इसके साथ साथ जो है पावरफुल इन्फ्लुएंस है बंगाली कल्चरल लाइफ का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलका याग्निक, सब कुछ वहीं से तो है, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह जी, बिल्कुल। ये जितना भी म्यूजिक में आप नाम देखेंगे टॉप म्यूजिशियंस, ये सब वहीं से, राइट, ठीक है, सब वहीं से। देन ये पे हमारे विक्टोरिया जी, विक्टोरिया अंग्रेजी शासन को बहुत ही जोर शोर से दिखाने का और बहुत ही मतलब बड़े तौर पे उसको जो हमारी गुलामी का प्रतीक ये माना जाता है, तो विक्टोरिया मेमोरीज इसको 1905 में जो है इंग्लिश गवर्नमेंट ने, अंग्रेजों ने ताजमहल की कॉपी करना, यहाँ पे एक ताजमहल की कॉपी उन्होंने करना चाहा और इसकी वजह से उन्होंने फिर ये बना दिया। बहुत आलिशान है, बहुत शानदार है अंदर से, आप देखेंगे इसको। और ये जो एरिया था यहाँ पे जब मैं थी तो वहां पे स्टोन्स थे, अब शायद अभी भी स्टोन्स ही पिक्चर में, ठीक है। तो मेरा मुझे अपने पिक्चर लगाने थे यहाँ पे, राइट, ये तब मिसिंग हो गया, मुझसे आइडिया ही नहीं आया, राइट। भूवई सिंगिंग, देन इसके बाद यहाँ पे आपका ये मैंने बताया प्लासी है, प्लासी के बाद ये आपका जो संगीत है यहाँ पे बंगाल में किस तरीके से, ये आपका हावड़ा ब्रिज हो जाएगा, हावड़ा हावड़ा, ये हावड़ा ब्रिज हो जाएगा। देन अबाउट ये भी सिंगर है, आई एम अवेयर अबाउट, अच्छा ये भी सिंगर, अच्छा, हाँ इनको तो किशोर कुमार भी बता, ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया से है, ठीक है। वेस्ट बंगाल हाईएस्ट माउंटेन सेंजगा, बिल्कुल सही कहा आपने, ये देखिएगा। देन इसके बाद यहाँ पे आपका ये हो जाएगा दार्जिलिंग, मैंने बता दिया, रिवर्स को देख लो जल्दी से, टाइम हो चुका है बिल्कुल। ये बाराकार जो हो गई रिवर, यहाँ पे इसका जो स्ट्रेच है ये यहाँ पे कुल्टी से आसनसोल तक होती है। देन इसके बाद कुल्टी बर्नपुल आसनसोल, ये इसका स्ट्रेच है लगभग 20 किलोमीटर। चुरनी दामोदर इसकी मेन रिवर हो जाएगी, दामोदर को देखा है, दामोदर को बोला जाता है सौरा ऑफ बंगाल, राइट। और इसमें जो मेन जो इसका इरिगेशन बोलू मैं, और अगर पानी के लिए जो है डेवलपमेंट बोलू, तो दामोदर से ही आपका पास होता है बंगाल में लगभग। दुर्गा चक्र, ये आपका दिशागढ़, इसके बाद ये है उदय नारायणपुर, ये बागान, दुर्गापुर, आसनसोल, ये सब एरिया भी यहाँ पे जाया जाता है, इससे पानी जो स्ट्रेच है इसका टाउन और ये जो इसके आसपास आते हैं। देन आपका इसका स्ट्रेच है द्वारकरेश्वर का, ये आपका बांकुरा से कुष्टिया, देन द्वारका, ये आपका तारापीठ से आपका साधक बांदेव घाट, ये आपका चांदीपुर, ये सब जो इसके आसपास जो सिटीज है वो बताया गया है। गंगा त्रिबेनी से जायमंज हाबर इसको बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक आपका जाता है स्ट्रेच। देन उसके बाद आपका यहाँ पे कौन कौन सी सिटी हो गई, ये आप देख लीजिए, बैरकपुर, बैरकपुर कौन है, बैरकपुर वही है जहाँ पे मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, राइट, ये वही है आपकी बैरकपुर जो बैराज है। देन इसके बाद आपका जालंगी, कालजनी, कांसी, करोला, महानंदा, ये आपका माथाभंगा, देन आपका मयूराक्षी, इसको मोर रिवर बोला था हमने, ठीक है, ओके ओके दैट्स फाइन। देन इसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट में जो रूपनारायण हो गया, सिलावाटी हो गया, तीस्ता रिवर आपको पता है ये आती है सिलीगुड़ी से, देन उसके बाद पहाड़पुर आपका चली जाती है वेस्ट बंगाल, ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बेस्ट वाटर मैनेजमेंट, बिल्कुल सही कहा, दामोदर वैली जो आपका वाटर जो मैनेजमेंट प्लान है ये वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में ही। देन इसके बाद ये आपका बेसिन हो जाएगा, रिवर बेसिन, कौन कौन सी रिवर, कौन से बेसिन को यहाँ पे जो आपका, तो सबसे पहले जो है ये तोरसा आपका हो जाएगा, देन यहाँ पे जो है गंगा वैली को हम देखेंगे, तीस्ता तो यहाँ पे ऊपर ही हो गया, ये वाला जो तीस्ता है यहाँ पे, ये वाला एरिया तीस्ता में है, दिख रहा है। देन इसके बाद आपका जो रिवर है जो है मयूराक्षी हो गया, देन कसाई, गलती मैंने यहाँ पे लगाया था, इज गेंजेस, हाँ दामोदर, देखिए दामोदर ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है पूरा दामोदर का है, ठीक है, दामोदर एरिया यहाँ से आती है, आपको पता है दामोदर सबसे बड़ी रिवर है वेस्ट झारखंड की, ठीक है, झारखंड, प्लीज रिप्लाई फॉर, अच्छा ठीक है ठीक, नहीं बीरबल, बीरबल हरियाणा से है, यमुनानगर बीरबल यूपी से नहीं है, कहाँ है बीरबल हरियाणा से, यूपी से नहीं है, ठीक है, तो हमसे ज्यादा तो बीरबल के बारे में कोई नहीं जानता होगा। चलिए इसके बाद देन यहाँ पे आपके जो स्ट्रेच है रूप नारायण हो गया, ये जो जितने भी रिवर्स है आपका, मैं गैंजिस को देख रही थी, गैंजिस का आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये एक्चुअली इसमें मिल जाती है ना बांग्लादेश में, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाया गया, इस गलती में मत रहिएगा,
बीरबल वहां से नहीं है, ठीक है। दार्जिलिंग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। देखो दार्जिलिंग में इंक्रीज करे उसके लिए होना चाहिए ना आपके पास कि आप उस पर स्पेंड कर पाए। नो, प्रखर, नो। इज फ्रॉम यमुनानगर, वेस्ट बंगाल, एंड फ्रॉम यमुनानगर आई थिंक संजय दत्त इज फ्रॉम देयर, राइट ना। सुनील दत्त जो उनके फादर थे वो भी वहीं से है आपके बीरबल। देन इसके बाद गंगा जो है ये वेस्ट बंगाल में एंटर करती है राजमहल, राजमहल जो हिल से वहां से फ्लोज साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, मतलब ये आपका जो है नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ है, तो साउथ ईस्टर्ली इस तरीके से डायरेक्शन आएगा और फिर ये बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी। डिवाइडेड इनटू टू, नॉर्थ में ऑफ द दुलियन इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद वन ब्रांच एंटर्स बांग्लादेश एज पद्मा, और जो दूसरी ब्रांच है वो बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में भागीरथी रिवर के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और हुगली रिवर इन अ सदर्न डायरेक्शन, राइट। तो हुगली रिवर, हुगली डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सब देखा है। इफ स्ट्रेटजीज आर ओके एवरीवन कैन बिकम, बिल्कुल बिल्कुल रक्तिम सूर्या जी सही बोला। हाँ जी हाँ जी, आपके यहाँ से निकले, निकिता के यहाँ से। ओके 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 रक्तिम सूर्या जी, कोई बात नहीं, आप खुद से प्रिपेयर कर सकते। बाली ने खुद से किया है सारा प्रिपरेशन, खुद से किया। बाली इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ही इज सीरियस एस्पिरेंट, तो इनकी थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ बोला तो सिलीगुड़ी वही तो है, ये देखिएगा आपका यहाँ पे सिलीगुड़ी, ये रहा सिलीगुड़ी, राइट, ये सिलीगुड़ी तो है जो टॉप मोस्ट मैंने बोला था, जो स्टेट है जो यहाँ पे स्ट्रेच जहाँ से आपका जाएगा। अब तो गूगल पर भी दिखा रहा, नहीं, प्रखर जी गलत दिखा, हो सकता है गूगल पे फैक्ट्स जो होते हैं कुछ गलत होते हैं, बट ही इज फ्रॉम हरियाणा, ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। देन इसके बाद ये देखिए रिवर्स है, यहाँ पे गंगा हो गई। देन इसके बाद जो है अजय रिवर, अजय ये वही वाली आपकी जो उसमें आती थी, ठीक है, आपकी जिसमें आती थी झारखंड में, वहां पे भी मुंगेर, मुंगेर जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये आपका बिहार, ठीक है, और मुंगेर में आपका वहां से आती है। देन चूरनी, देन हल्दी, देन आपका कांगसा बाटी रिवर, ये आपका पुरुलिया मुरुगमा, और इसके बाद ये पुनर्भाबा रिवर, देन देपा पद्मा हिमालय से, देन आपका अतराई, ये आपका जोरापानी, रायदा जमुना रिवर एंड चेम्यूंग दुंग ग्लेशियर, ठीक है। बेसिकली जो आपका स्ट्रेच है मैंने बताया था रिवर्स का, पहले जो गंगा है गंगा आपकी एंटर करेगी, देन जो आपका बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र एंटर करते ही जमुना नाम से जानी जाती है, राइट। जमुना के बाद जब ये मिलेगी तब यहाँ पे ये पद्मा हो जाएगी, देन आपकी इधर मेघना हो जाएगी, फिर ये आपकी इधर आपकी जो है डंप कर जाएगी आपकी बे ऑफ बंगाल में, राइट। तो ये आपका ऑल अबाउट बंगाल एंड बंगाल स्टेट, नॉबल स्टेट के बारे में ढेर सारी बातें की आज ना, बहुत सारी। सबसे पहले सिलीगुड़ी ही जाना है मुझे, वहां पे क्या है, सिलीगुड़ी पे क्या है बताइए, बताइए अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए बंगाल के बारे में। मैंने तो बता दिया अपना, राइट, मुझे तो बंगाल लाइक कल्चर वाइज काफी अच्छा लगा, और एजुकेटेड है लोग यहाँ पे, एजुकेटेड है, दिमाग नहीं मारना पड़ता, राइट, समझाने के लिए बताने के लिए बहुत एजुकेटेड है यहाँ पे सब। हाँ जी, राम मंदिर तो वहीं पे है, राम मंदिर आपका वहीं है। और ये हमसे दोपहर को अपना जो आपने वो सेशन देखा एड्रा 247 पे, जो यूपीएससी के लिए प्रमोशन के लिए आया था जो, ठीक है सुनील जी, प्लेलिस्ट सुनील जी मैं कहाँ से प्रोवाइड करूँ आपको, यहीं से मिल जाएगा। जब होम पेज पे जाएंगे तो होम पेज पे आपको यहाँ पे जो नीचे ही आपको जो आने वाली क्लासेस अपकमिंग क्लासेस मिल जाएंगी, उसके साथ साथ जो क्लास यहाँ पे आपकी हो चुकी है तुरंत वो भी आपको मिल जाएगी। आपका तो स्टेट है ना, आप तो बंगाल को जानेंगे। सिलीगुड़ी में प्राइस बहुत ज्यादा है, मंदिर है, तीस्ता रिवर है, नहीं वो ठीक है, बट ये क्यों जाना चाहते हैं अमरीश जी, ये राज की बात कब बताएंगे, बताइए आप क्यों जाना चाहते हैं वहां पे, क्या है वहां सिलीगुड़ी में, बताइए जल्दी से। मनी तो चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कार्बन क्रेडिट्स इंक्रीज करनी है, और 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है, तो नहीं, 2030 तक कहाँ पॉसिबल है, बेशक आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख लीजिए कहाँ पूरे हो रहे हैं, इवन और जो टारगेट से बढ़ रहे हैं वालीरा, तो अभी तक पॉसिबल नहीं है, राइट, बिकॉज और कोरोना ने तो और ज्यादा यहाँ पे मतलब खराब हो गए। ओके, कभी आना महाराष्ट्र में भी वेलकम। अरे
बहुत महाराष्ट्र भी बहुत देखा है राइट, महाराष्ट्र में भी कुछ बहुत ही कम, महाराष्ट्र, गुजरात, देन आपका राजस्थान, आपका एमपी, एमपी में गए हैं, नॉर्थ एमपी स्पेशली देखा है, देन इधर से आपका यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आपका नॉर्थ ईस्ट, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स वहां से नॉर्थ ईस्ट से हैं, एंड देन अभी दार्जिलिंग बस मैं जाने ही वाली हूँ, जैसे तैसे दिन जा रहे हैं, सबसे पहले मुझे दार्जिलिंग जाना है, देन उसके बाद आपका साउथ इंडिया, केरला, तमिलनाडु, व्हाट नॉट, आपका कर्नाटका तो है ही अपना, बेंगलुरु, राइट, तो पूरा इंडिया आराम से, हरियाणा, पंजाब एंड दिल्ली, और इसके बाद आपका ऊपर कौन से, उत्तराखंड, आपका जो है कश्मीर, कश्मीर में तो अभी मैंने बताया कुछ दिन पहले ही, तो पूरा पूरा इंडिया अपना ही है जी, अपना ही एक घर वहां, एक यहाँ, ठीक है, कृष्णा कृष्णा, अरे कृष्णा, व्हाई सो लेट डियर, व्हाई सो लेट, माय क्लास टाइमिंग्स आर फ्रॉम 5 PM टू 6 PM राइट, एंड देन फ्रॉम मॉर्निंग 9 to 10 AM राइट, ये मॉर्निंग का टाइम हो जाएगा, देन इवनिंग में आपका 5 to 6 PM हो जाएगा, अंजलि जी गुड इवनिंग, क्लास इज गोइंग टू एंड राइट, आप थोड़े लेट हो गए, इज अबाउट टू एंड राइट, लास्ट, अब ये थोड़ी, ये तो हम किसी को नहीं बताते, रक्तिम सूर्या जी ये आपने क्या पूछ लिया ये नहीं बताएंगे, आए हैं गुड़गांव, आपका रोहतक, रोहतक तो स्पेशली वहां का जो आप फेमस है वहां का, लाइक क्या, पराठा, पराठा लाइक बिगेस्ट पराठा है ना, सब सब देखा है सब, एक जलेबी बहुत फेमस है राइट, हरियाणा में आएंगे तो सब बताएंगे, जलेबी, गोहाना की जलेबी, हैव यू हर्ड, निकिता आपने जरूर सुना होगा, निक्की जी गोहाना का स्पेशल जलेबी, बहुत बड़ा जलेबी होता है ना, वो खाया मैंने, पकौड़े वहां की बहुत फेमस है ना कमेटी पे हंसती, अच्छा, तो वहां पे हिस्सा चाहिए इनको, प्रखर बोलते हैं इसमें, मैं मेरा योगदान है, तो इनको घर में तो हिस्सा मिला नहीं, घर में तो बहने ले गई हिस्सा, और बाकी हिस्सा जो बचा तो मुझसे मांग रहे, बोलते मुझे हिस्सा चाहिए, अभी सब 6 बजे की ज्योग्राफी क्लास में जरूर ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, देन यूपीएससी अड्डा पे रेगुलर अगर आप कोई कोर्स करेंगे तो मेरा ही कोड यूज करिए, Y326 है ना निकी जी, एम आई राइट, बताया मैंने सही बताया, अच्छा सुनील मिश्रा जी कैसे कश्मीर से हो सकते हैं, ना 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 आप यूपी से पक्का हो या बिहार से, देन आप अभी तक 4 स्टेट्स हुए हैं ना, हाँ जी हाँ जी सुष्मिता जी, अभी तक 4 ही हुए हैं, यूपी, देन बिहार, देन झारखंड, देन फोर्थ वन इज बंगाल राइट, नेक्स्ट कल हम करेंगे कौन सा, हम कल करेंगे सातवाहना स्टेट, सातवाहना आंध्र प्रदेश राइट, नहीं, 1 किलो की एक नहीं होती, 1 किलो में 4 होती है, वो 1 किलो में 4 जलेबी होती है, निकी क्या आपको खुद नहीं पता अपने स्टेट से, इसी बात पे हम चले जा रहे हैं, बस जा रहे हैं हम आपसे और बात नहीं करेंगे, थैंक यू सो मच।